हम लोग ICF कोच से इंजन को काट रहे हैं और फिर ICF कोच में इंजन को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी लोड से इंजन को काटना और जोड़ना, ये प्रक्रिया शंटिंग के अंतर्गत आती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शंटिंग पर नियंत्रण के बारे में कुछ दो शब्द जान लेते हैं। शंटिंग कार्य का नियंत्रण जो है सिग्नल या हैंड सिग्नल या मौखिक निर्देश द्वारा भी किया जा सकता है। ये 5GSR के 5.13 के पहला में लिखा गया है पूर्वोत्तर रेलवे। और दूसरी बात यह है कि लोको पायलट जो है सिग्नल पे पूर्ण भरोसा नहीं करता है, उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ये 5.13 के 2 में लिखा गया है GSR के। और 5.13 के 3 में ये लिखा गया है कि जब तक विशेष अनुदेश न हो, शंटिंग की गति 15 KMPH से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अंदर ही होगी। और यात्री गाड़ी में जब इंजन जोड़ने आते हैं तो 20 मीटर के दूरी पे इंजन को खड़ा कर लेते हैं, शंटिंग मास्टर के निर्देशों हाथ सिग्नल के अनुसार खड़ा करते हैं, और वहां से सावधानी पूर्वक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, जिससे कोच में किसी प्रकार के धक्का लगने की संभावना न रहे। ठीक। और ये जो शंटिंग के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, ये शंटिंग प्रपत्र T-806 पे दिए जाते हैं, जो नीले रंग का प्रपत्र है और 3 कॉपी में लिखा रहता है। आज हम लोग ICF कोच के स्क्रू कम्पलिंग को जोड़ने तथा काटने को देखते हैं। इसके लिए पाइप के एयर प्रेशर को बंद करने के बाद देखिए, ये फीड पाइप के तार को खोल रहे हैं। जो सफ़ेद वाला पाइप जो तार खोल रहे हैं, ये फीड पाइप कहलाता है। इसके द्वारा गाड़ी को चार्जिंग में सहायता मिलती है। और ये हरा रंग का जो पाइप है जिसका तार अब खोल रहे हैं, ये ब्रेक पाइप है। तो इस तरह से ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों की पहचान आप कर लीजिए। ब्रेक पाइप हरा वाला है और सफ़ेद वाला फीड पाइप है। ठीक। अब इन दोनों को खोलने के बाद अब देखिए, सबसे पहले तो इन स्क्रू को ढीला करना है। इसमें एक रॉड लगा होता है स्क्रू को ढीला करने के लिए, उस रॉड को टूगल बोलते हैं। देखिए, ये टूगल को ठोक के निकाल लिए और टूगल को घुमा घुमा करके स्क्रू को ये ढीला करेंगे। देखिए, स्क्रू किस लिए ढीला कर रहे हैं, ताकि जो ये स्क्रू जब ढीला हो जाएगा, देखिए पाइप को तो खोल दिए, ये स्क्रू को ढीला कर रहे हैं ताकि स्क्रू को ढीला करके, और जो सेकल लिंक है, ये सेकल लिंक इस हुक में पड़ा हुआ है, ड्रा हुक में, ड्रा हुक से सेकल लिंक को निकालने के लिए स्क्रू को टूगल द्वारा ढीला कर रहे हैं। देखिए, इस रड का नाम टूगल है, इस रड का नाम टूगल है। अब देखिए, अब ये निकाल दिए इसको, किसको निकाल दिए, ये सेकल लिंक को निकाल दिए। सेकल इस तरह से काट दिया गया। अब आगे गाड़ी को जोड़ने के लिए देखिए किस तरह से झंडी हिला रहे हैं, क्योंकि इंजन आ रहा है पास में। तो इंजन को पास में बुलाने के लिए इस तरह से हरा और लाल झंडी एक एक हाथ में ले करके देखिए शंटिंग मास्टर किस तरह से बुला रहे हैं पावर को आगे से इंजन को। इंजन देखिए नज़दीक आते जा रहा है इनके बुलाने से। देखिए, इंजन दिखने लगा। अब इंजन और पास आ रहा है, और पास आ रहा है। देखिए, अब लाल दिखाने लगे, रोक दिए, 20 मीटर दूरी पर इसको खड़ा कर दिए। 20 मीटर दूरी पर इसको खड़ा करने के लिए लाल दिखाए। अब वहाँ से धीरे धीरे बुलाएंगे, धीरे धीरे बुलाने के लिए फिर देखिए ऐसी झंडी दिखाने लगे। अब धीरे धीरे जो है इंजन पास में आएगा। पहले तो 20 मीटर दूरी पर लाल दिखा के खड़ा किए, और वहाँ से फिर धीरे धीरे पावर देखिए चला आ रहा है। 41511 पावर नंबर देखिए किस तरह से पास में आ रहा है वैगन को जोड़ने के लिए, और एकदम धीमी चाल में, क्योंकि 20 मीटर के दूरी पर रुकने के बाद से बहुत धीमी गति में ये पास में आ रहा है। 8.13 के अनुसार शंटिंग के दौरान गाड़ी की गति 15 KMPH से अधिक नहीं होगी, परंतु 20 मीटर दूरी पर रुकने के बाद से सावधानी पूर्वक में आ गया। यहां आके धीमे से अब खड़ा कर देंगे। देखिए, इस तरह से अब रुकने के लिए ये झंडी दिखाएंगे, झंडी लाल दिखा के रोक दिए, और यहां से अब ये आएंगे इसको जोड़ने के लिए। देखिए, ये अंदर आ रहे हैं नीचे, देखिए किस तरह से इसको जोड़ रहे हैं। ये देखिए पास में आ गए, और पास में आने के बाद देखिए ये सबसे पहले इसको साइकिल लिंक को उठा करके ड्रा हुक में डाल दिए। साइकिल लिंक को उठा के ड्रा हुक में नहीं पड़ रहा है, इसलिए टूगल को घुमा के इसको ढीला करते हैं। स्क्रू को टूगल को घुमा घुमा करके स्क्रू को ढीला कर रहे हैं। देखिए, ढीला हो गया, अब पड़ गया ड्रा हुक में। अब फिर से इसको टाइट कर दे रहे हैं, टूगल द्वारा इसको टाइट कर दे रहे हैं। टूगल से ये टाइट हो गया। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये पाइप को जोड़ने जा रहे हैं बारी बारी से, ब्रेक पाइप और फीड पाइप को। ये सबसे पहले देखिए
देखिए इसको हरा रंग को ब्रेक पाइप को जोड़ दिए, अब ये सफ़ेद वाला लिए, सफ़ेद वाला फीड पाइप है, फीड पाइप को भी देखिए किस तरह से झटके से बैठा देते हैं, इसको मिला करके सामने सामने और झटके से इसे बैठा देते हैं। और अब इसे तार से जैसे बंधा था पहले उसी प्रकार से ये बांध के टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद